यूपी अंदर मेरठ जिले में आस पांचड़ी गांव सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना धन और बल की कमी नहीं थी घर में दया भावना क्षमाशीलता थी दान पोटली करे में लेके देना कमा के खाना नीत रहे थी और में श्रीमती मन भरी ब्याहता बनी संगीन एक डगर एक डगर में सदा प्रसूता पुण्य कोखते दिया धन सिंह गुजर जाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना कदे था मूल ठिकाना चले पूर्वज इनके यहाँ ते हुआ पांचड़ी में आना नेम टेम से गुजर करे था दूध दही का खाना दिन दिन रोज समाया दिखे धन सिंह गुजर चपराना धन सिंह गुजर चपराना जन्नी और जन्म भूमि का दिया चुका दूध का दाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना घर कर गया था अंग्रेजों की करतू तो से दिल छतरी का भर गया था क्रांतिकारी बना चिंगारी हृदय में धर गया था घूट लहू की भर के विपदा जन जन की हर गया था जन जन की हर गया था देश भगत महापुरुषों के गुण रटता जगत तमाम सुना अंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना महीना सन 57 का साल कहूं मेरठ में दई फूक छावनी काट्या खूब बवाल कहूं फना होन की मातृभूमि में उठे बदन में झाल कहूं युगो युगो तक नाम रहे तेरा धन सिंह कोतवाल कहूं धन सिंह कोतवाल कहूं अंग्रेजों का दहशत में हुआ जीना कति हराम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुना
महापुरुषों की गाथा सामी लाना, दस्तावेज सबूत डॉक्टर देविंदर समझाना, बड़ी पावटी मेरठ में रहे किशन पाल चपराना, सतीश खटाना इन त्यागो की करता जगत सराहना, करता जगत सराहना विनोद खटाना, ज्ञानिंदर सरधना का पहलाद पुर धाम सुन्या, नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुन्या, नंबरदार गांव का मुखिया शाल करण सरनाम सुन्या।